पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देश का भविष्य आज कलेक्टर पर खड़े होकर इच्छा मृत्यु मांगने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। 2013 के उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती के मेडिकल पास अभ्यर्थियों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए इच्छा मृत्यु का आवेदन किया और इच्छा मृत्यु मांगने सभी ने योगी सरकार के वादे पूरे करने की मांग की और कहा कि या तो हमें नौकरी दो या फिर इच्छा मृत्यु, क्योंकि समाज के द्वारा उनकी तरफ उठने वाली नजरों का वे सामना नहीं कर पा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है जब वह घर में होते हैं तो उनके माता पिता भी उनसे यही पूछते हैं कि कब जाओगे ड्यूटी, जिसका अब सामना करने और जवाब देने में उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सूबे में योगी सरकार आने के बाद से ही इन लोगों के अंदर खासा उत्साह देखा जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद से भी कहा था कि जल्द ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे जो कि पात्र हैं। लेकिन लगातार कोर्ट के आदेश आने के बाद भी जब पुलिस आरक्षक की भर्ती के पास लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले तो अब उनकी हिम्मत टूटी हुई दिखाई दे रही है। आज मुरादाबाद के कलेक्टर पहुंचकर यूपी पुलिस भर्ती 2013 में पास हुए अभ्यर्थियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। इनका कहना है कि या तो अब उनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए या फिर उनको नियुक्ति पत्र। 2013 में निकली भर्तियों में पास परीक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र देने थे लेकिन कुछ को ही दिए गए, जिसके बाद कोर्ट ने लगातार आदेश दिए कि इन भर्तियों को पात्र लोगों को दिए जाएं। लेकिन सूबे के मुखिया भी सरकार में आने से पहले अपने वादे में कह रहे थे कि पुलिस पात्र लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, पर अब तक उनके हाथ खाली हैं। अब उनको समाज में और घर में जवाब भी देने में शर्म आ रही है, तो या तो अब सरकार उनको नियुक्ति पत्र दे ताकि वह भी सर उठाकर ड्यूटी कर सके, वरना उनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए ताकि इन सब से दूर हो सकें। सर, ये हमारी 2013 की भर्ती थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो 2015 में 41,610 बच्चों का आवेदन निकला था, जिसमें 38,315 को नियुक्ति दे दी गई है, जिसमें कुछ पद बचे हुए हैं 3,295। सर, उन पर भी जो अग्रनिर्देशित कर दिए गए थे वो पद, उन पर भी ऑर्डर हो चुका है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, लेकिन उन पर भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। और एक ऑर्डर और हो चुका है माननीय न्यायालय द्वारा 3,285 मनोज कुमार के नाम से हॉरिजेंटल सुधारने के लिए, तो सर उसमें भी कोई संशोधन अभी तक नहीं हो पाया है। तो हम उसी को भर्ती बोर्ड ने फॉलो करते हुए 13,479 की लिस्ट निकाली थी, जिसको बाद में उन्होंने हटाकर दो दिन बाद 77 याचियों की लिस्ट लगा दी। फिर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, वो अपनी गलती मानते हुए उन्होंने उस लिस्ट को हटा करके उन्होंने हमें समय दिया कि कुछ समय बाद जो हम आपका संशोधन करके नई लिस्ट जारी करेंगे। तो सर, कुछ 13 अगस्त 2018 को उन्होंने 8,678 बच्चों की नई लिस्ट जारी करी और वो लिस्ट जारी करके 25 अगस्त से और 8 सितंबर तक जी उन्होंने DVPST करा लिया हम लोगों का, मेडिकल करा लिया। और उसके बाद जो है उससे पहले हम लोग 8,676 बच्चे जो हैं 6,876 बच्चे जो हैं वो ओल्ड मेडिकल पास है, पहले से पास थे। तो टोटल मिला करके हम 11,876 बच्चे हैं। ये मांगे सिर्फ हम जो 11,876 बच्चे हैं उनको सर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए, सिर्फ नियुक्ति की ही प्रक्रिया बाकी बची है उसको हम पूरा कराना चाहते हैं। यदि हमको नियुक्ति पत्र जारी नहीं होता है तो हम आज जो यहाँ पर आए हैं वो DM साहब के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि या तो हमारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाए, और अगर नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रहे हैं तो वो लोग हमें इच्छा मृत्यु दें। और उसी के उपलक्ष में हम जो आज यहाँ पर इच्छा मृत्यु का ज्ञापन देने आए हैं, इसलिए कि हम समाज में बहुत ज़्यादा अपमानित हो चुके हैं। हर व्यक्ति हमको ये जो है बुरी निगाह से देखने लगा है। माँ बाप भी हमारे पूछते हैं रोज़ रोज़ हमसे जो है ये सवाल करते हैं कि आप लोग कब जाओगे, आप लोगों की तो भर्ती पूरी हो गई थी, नियुक्ति पत्र कब मिलेगा आपको। तो सर, ये सब हमारे पास कोई जवाब उनको देने के लिए नहीं है कि हम कहाँ से दें, क्योंकि हमारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने हमारा घटते हुए आत्मसम्मान के तहत हमने ये निर्णय लिया है कि हम जो है हमारे लिए इच्छा मृत्यु दे दी जाए, हम उसके लिए स्वीकारने के लिए तैयार।